नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्षेत्र के करीब दर्जन भर गांव के किसान आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि खेतों पर आवारा पशु उनकी फसलों को खराब कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग आवारा पशु छोड़ जाते हैं, जिससे वह परेशान हैं। अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश नायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्यवाही की जाएगी और स्थायी रूप से गौशाला का निर्माण कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को एक जगह एकत्रित किया जाएगा। हमारा गांव जो है ग्राम गमाकर बासोदा तहसील का प्रमुख गांव है, बड़ा गांव है, और वहाँ पे जो है 3-3 किलोमीटर तक हमारे गांव की खेती होती है, 4 किलोमीटर तक। और जितने गांव के बाहर के गांव है ना, जोत ग्रोथ और ये सलोई ललोई फूला पीपर बूटा पछुआ, ये सब हमारे गांव भगाती है। राजनगर बासोदा मिर्जापुर सब हमारे गांव। आपके एक अस्थायी गौशाला बनी थी, उसका कुछ निराकरण नहीं हुआ? गौशाला नहीं बनी, वो गांव वालों ने ही पैसा 75,000 रुपया उगा के 4 महीने चला। हम लोग 100 खोजों की व्यवस्था कर सकते हैं, अभी भी हम तैयार हैं सेवा करने के लिए। एसडीएम साहब से चर्चा हुई, ये क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि इसको नगर पालिका के द्वारा हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे, समिति बना लो और आप समिति बनाइए तो हम आपको 12 से 15 बीघा जितनी भी आप जमीन मांगोगे, गौशाला किसी नाम से ट्रस्ट बना लो आप, वो जमीन देने तैयार है, वो सारी व्यवस्था की। आज कितने जानवर लेके आए? करीबन 120 से 125 जानवर थे। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।